गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करें। इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। अगर हमारे पास क्लॉक ही नहीं होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने बजे हुए हैं, क्या टाइम हो चुका है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडो। जो हमारे एल्डर्स थे वो शैडो को ही देख के टाइम को बता देते थे कि कितना अप्रोक्सीमेट टाइम हुआ है। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ अ ईयर। आवर एनसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट इन नेचर रिपीट themselves आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने देखा कि नेचर के अंदर बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। फॉर एग्जांपल, दे फाउंड दैट द सन हैज़ राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने सन है वो हर रोज दिन में जो है वो राइज होता है, निकलता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। जो एक सनराइज और अगले दिन के सनराइज के बीच का जो टाइम था उसको क्या कहा गया, दिन, एक दिन। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम ए न्यू मून टू द नेक्स्ट। जो एक मंथ है वो किसको टाइम दिया गया, न्यू मून, और उससे नेक्स्ट न्यू मून तक। अ ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। एक ईयर किसको कहा गया कि अर्थ जो है जब अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के चारों ओर, और तब तक जितना टाइम लगता है उस टाइम को एक ईयर कहा गया। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अब जो टाइम इंटरवल है जो एक दिन से भी छोटे हैं उनको मेजर करना, उनकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। क्लॉक और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइम को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो क्या है, क्लॉक और वॉचेज। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेज मेजर टाइम। कि हमारी जो क्लॉक और जो वॉचेज है वो टाइम कैसे मेजर करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। क्लॉक की जो वर्किंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सिंपल पीरियोडिक मोशन। ये सभी के सभी किस चीज़ को यूज करते हैं, पीरियोडिक मोशन को। और पीरियोडिक मोशन क्या है, ये सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो पीरियोडिक मोशन है वो एक सिंपल पेंडुलम का है। पेंडुलम क्या होता है, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है वॉल क्लॉक, और इसके नीचे ये जो राउंड राउंड जो घूमता रहता है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास मेजरिंग डिवाइस हैं। अब ये अरेंजमेंट हमने की इस तरह से लैब के अंदर हम करते हैं। फिगर 13.4 क्या होगा, एक थ्रेड हमने ली हुई है और एक थ्रेड को ये एक मेटेलिक बॉब है। मेटेलिक बॉब क्या होता है, एक बॉल की तरह से है मेटल्स का, उस पर एक हुक है, उस हुक को हमने थ्रेड के साथ किसी स्पोर्ट के साथ हमने उसको टाई किया हुआ है। अब इस जो मेटेलिक जो बॉब है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर वो कहाँ पे जाएगा, राइट की तरफ। तो ये इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल मेटेलिक बॉल आर ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। सिंपल पेंडुलम अगर पूछा जाए व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो वो क्या होता है, मेटल का बॉब बॉल होती है और उसको एक रस्सी के साथ, एक थ्रेड के साथ, एक किसी भी स्टैंड के साथ हम क्या करते थे, टाई कर देते हैं। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये जो मेटल की जो बॉल है जिसपे एक हुक है और थ्रेड के साथ बांध रखा है हमने, उस मेटल की बॉल को हम क्या कहते हैं, बॉब।
ठीक है 13.4 ए, सो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन. तो पेंडुलम कहाँ पे है, रेस्ट पे है, और जो ये सेंटर की जो पोजिशन है उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजिशन. व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो. जब हम बॉब को एक पोजिशन पे ले जाके छोड़ देते हैं, सपोज करो सेंटर पे ओ पे, ओ पोजिशन पे था, हम इसको कहाँ पे लेके गए, ए पोजिशन पे, और वहाँ से हमने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, फिर से ओ पे आएगा और फिर राइट की तरफ कहाँ पे चला जाएगा, बी पे. और ये इसी तरह से लेफ्ट राइट ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा. इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन. तो जो पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन है ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. इसमें प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है, कई सारे बच्चे इसको ऑक्सीलेटरी कहेंगे, बट इट इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन. द पेंडुलम इज सेट टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन मूव टू ए टू बी एंड बैक टू ओ. तो वन ऑसिलेशन कब कहेंगे, जब एक पेंडुलम है ओ से कहाँ पे जाएगा, ए पोजीशन पे, ए से फिर वापस कहाँ पे आएगा, बी पोजीशन पे, तो उसको बी से फिर कहाँ पे आएगा, ओ पोजीशन पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. फिर से ध्यान से देखिए बेटा, ओ पोजीशन से वो कहाँ पे गया, लेफ्ट की तरफ ए पे, ए से फिर वो कहाँ पे जाएगा, बी पे, और बी से फिर कहाँ पे आएगा, वो ओ पे. तो ये जो मोशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. या इसका सिंपल दूसरा मेथड क्या है मेजर करने का, हम ए पॉइंट से ही मेजर करें कि जो बॉब है वो ए से कहाँ पे जाए, ओ, ओ से बी, और बी से फिर कहाँ पे आए, वापस ओ, और ओ से ए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन. यानी कि ए से स्टार्ट किया बी पे और बी से वापस ए पे, इसको भी हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन. द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए. तो वन ऑसिलेशन कब कहते हैं, कि जब ए से बी पे जाए और बी से वापस ए पे आए, तो उसको भी क्या कहा जाता है, वन ऑसिलेशन. द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. तो यहाँ पे टाइम पीरियड की भी डेफिनेशन आ जाती है. व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो यहाँ पे कई सारी डेफिनेशन बन जाती हैं, ऑसिलेटरी मोशन की बन जाती है, ऑसिलेशन की बन जाती है, कि व्हाट इज वन ऑसिलेशन और व्हाट इज टाइम पीरियड. अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 13.2. सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.A. जो 13.A में जो दिखाया गया है, इस तरह से एक सिंपल पेंडुलम हमने बनाना है. एक थ्रेड को एक स्टैंड से टाई कर देंगे, उसके दूसरा जो थ्रेड का एंड है उसको, जो ये मेटल का बॉब है इसका जो हुक है उस पर हम टाई कर देंगे. इस तरह की अरेंजमेंट हम सिंपल पेंडुलम पे कर सकते हैं. सेट सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.A विद ए थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 meter. 1 meter की लेंथ लेके स्विच ऑफ ऑल फैन नियर बाय. अगर आसपास कोई फैन है तो उसको हम बंद कर दें. लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन. मीन पोजिशन कौन सी रहेगी, वो जो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिल्कुल ना हिले, उसको हम क्या कहेंगे, मीन पोजिशन. मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट. इसकी जो पोजिशन है, या तो नीचे की तरफ फ्लोर पे या उसके पीछे कोई दीवार है उस पे मार्क कर लें कि कहाँ पे हमारी मेन पोजीशन है. टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच. इसका जो टाइम पीरियड है उसको मेजर करने के लिए एक स्टॉप वॉच हमारे पास होनी चाहिए. हाउएवर इफ अ स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड. अगर स्टॉप वॉच नहीं है, जो टेबल क्लॉक होती है या रिस्ट वॉच है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं. टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड. हम क्या करेंगे कि सेंटर पे ये ओ पे जो बॉब है उसको पकड़ के एक साइड पे लेके जाएंगे, सपोज करो लेफ्ट पे लेके गए ए पोजीशन पे, और वहाँ जाके उसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे. तो क्या होगा, वो दोबारा से किस पे आएगा, ओ, और ओ से कहाँ पे जाएगा, बी राइट साइड पे, और इसी तरह से वो
टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल डिस्प्ले इट, कि जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजिशन, उसको हम छोड़ देंगे वहाँ से। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज, हमने उसको पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, बस उसको होल्ड करके ए पोजिशन पे और जस्ट छोड़ देंगे। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज इट एट मीन पोजिशन, जब वो अपनी मीन पोजिशन पे होता है तो क्लॉक है हमारे पास या स्टॉप वॉच है, वहाँ से हम टाइम को नोट कर लेंगे। इंस्टेंट ऑफ द मीन पोजिशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, अगर मीन से हमें काउंट नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है, एक्सट्रीम, यानी कि जब वो ए पोजिशन पे था और जब दोबारा ए पोजिशन पे आएगा उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक टू कम्प्लीट 20 ऑसिलेशन, तो जब ये 20 ऑसिलेशन हो जाएंगी उसका टाइम हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल, अब हमारे पास टेबल है 13.2 देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे और वो 1, 2, 3 इस तरह के सीरियल नंबर लगा लेंगे कितनी बार हमने उसको परफॉर्म किया है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, सपोज करो पहले 42 सेकंड लगे, फिर दोबारा से 20 ऑसिलेशन करेंगे हम, सपोज करो वहाँ 40 सेकंड लगे, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सपोज करो वहाँ पे फिर 40 सेकंड लगते हैं, तो इस तरह से टाइम को हम यहाँ पे कर लेंगे नोट डाउन। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सो इज जस्ट ए सैम्पल, योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, ऑब्जर्वेशन क्या है डिफरेंट हो सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हम इसको कई बार रिपीट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। बाई डिवाइडिंग द टाइम टेकन ऑफ 20 ऑसिलेशन बाई 20, जितना हमारे पास टाइम टेकन आया है 20 ऑसिलेशन का उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल लिया हुआ है 20 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम आया 42 सेकंड, और उसको अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 2.1 सेकंड। तो 2.1 सेकंड का मीनिंग है कि एक जो ऑसिलेशन है उसको कंप्लीट होने में 2.1 सेकंड लगते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड। डेफिनेशन में भी यही आया था कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है हम कैसे निकाल लेंगे, कि टेबल के अंदर हमने लिख लिया है कि 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, और वो जितना टाइम आएगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा एक ऑसिलेशन का टाइम, और एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड। गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो किस तरह से करते हैं दोबारा से बताता हूँ, कि जो भी हमारा जो टाइम पीरियड आया है, टाइम आया है 20 ऑसिलेशन के लिए, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस, क्या हर एक केस में वो नियरली इक्वल आता है। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन अ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, कि जो डिस्प्लेसमेंट था ना ए पोजिशन तक लेके गए थे उसको थोड़ा सा ज़्यादा या कम करें तो उससे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ ए डे मोस्ट क्लॉक और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल, तो ये पहले तो पेंडुलम क्लॉक होती थी, आजकल क्या की जो क्लॉक हैं या रिस्ट वॉचेज हैं उनके अंदर छोटे से सेल डलते हैं, तो उनके अंदर का जो सर्किट है वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वो उसी पे काम करते हैं। दीज क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक, इन जो घड़ियाँ होती हैं इनको क्या कहा जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक कहा जाता है। द टाइम मेजर बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर, पहले जो क्लॉक होती थी उनके कंपैरिजन में जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं उनसे काफ़ी एक्यूरेट टाइम मेजर किया जा सकता है। तो यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, अब टाइम और स्पीड हमने कल पढ़ा था, और टाइम को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, कौन सी यूनिट उनकी होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, जो बेसिक यूनिट है और बेसिक यूनिट को हम SI यूनिट बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो क्या है सेकेंड। इट्स सिंबल इज स्मॉल s। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स,
सिंबल रहेगा MIN एंड RH. यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. ये यूनिट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे हैं. वन आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड. तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है. व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की क्या यूनिट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में. तो यूनिट क्या आएगी, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड. तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ये जो डिवाइड बाय का सिंबल है इसको पर बोलेंगे, PER, पर. सो मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आर. तो इसकी जो दूसरी यूनिट है वो मीटर पर मिनट भी हो सकती है और किलोमीटर पर आर भी हो सकता है. बट जो SI यूनिट है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम की SI यूनिट है वो है सेकेंड. यू मस्ट रिमेंबर द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर. तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप कि सिंगुलर फॉर्म में सारी की सारी यूनिट लिखी हुई हैं. तो यूनिट लिखने का अपना एक तरीका होता है, उसको हम सिंगुलर में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर्स, KMS नहीं लिखेंगे, सिंगुलर में लिखेंगे. या फिर अगर हमें लिखना है 8 सेंटीमीटर तो उसको लिखेंगे 8 cm, नॉट CMS, तो यानी प्लूरल में नहीं लिखेंगे. तो इस तरह से हम यूनिट्स को लिखते हैं. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स. तो बेटा ये था हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ स्पीड और सिंपल पेंडुलम. तो जितना वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है, वीडियो की हेल्प से आपको अच्छे से लर्न करना है. और पेज नंबर 45, 145, 146 और 147 को रीड करना है. हैव ए नाइस डे.